हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस चैनल इज आइकॉनिक सुरभि और मैं हूं आपकी सुरभि। सो एज यू ऑल नो अबाउट द टाइटल एंड थंबनेल, मैं इस वीडियो में करने वाली हूं स्मिटन एम्पटीज रिव्यू। जी हां, स्मिटन के मैंने बहुत सारे बॉक्सेस ट्राई किए हैं, तो उसमें जो भी मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं अब तक, कुछ तो नहीं कह सकते, बहुत मोस्टली प्रोडक्ट्स खाली हो चुके हैं, एम्पटीज हो चुकी हैं मेरे पास बहुत सारी कलेक्टेड। सो मैंने डिसीजन लिया था कि मैं एक ऐसी सेपरेट टोटल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के सम काइंड ऑफ लिटिल बिट ब्रीफ वीडियोज दूंगी, सॉरी ब्रीफ लाइक आपको रिकमेंडेशंस और रिव्यूज दूंगी। तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या ट्राई करना चाहिए, किन प्रोडक्ट्स पे अपने ट्रायल पॉइंट्स को यूज करना चाहिए और किन प्रोडक्ट्स पे आपको अपने ट्रायल पॉइंट्स वेस्ट नहीं करने चाहिए। सो या लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो उससे पहले प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड विद माई एवरी वीडियो एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री गाइज एंड माई चैनल विल हेल्प यू द मोस्ट, आई डेफिनेटली अश्योर यू फॉर दैट। सो या प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्मिटन का एज यूजुअल बॉक्स है। मैंने अपने जितने भी एम्प्टीज हैं मैं इसी में कलेक्ट करती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास बॉक्सेस भी बहुत ज्यादा कलेक्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे जितने भी प्रोडक्ट शेयर करूंगी उनके मैं आपको एवरेज भी मतलब काइंड ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज दे सकती हूँ, या किसी के मुझे जो मेरे ऊपर वर्क नहीं करे हूँ या मुझे कोई क्वांटिटी वाइज पसंद ना आया हो तो प्लीज इससे बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना। आपको जो अच्छा लगे आप ट्राई कर सकते हो, बट इट्स लाइक टोटली माई पर्सनल रिव्यू। सो या प्लीज कीप इन दैट माइंड एंड जल्दी से आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस एल्फा वेदिक का शैम्पू। अगर आप मेरे स्मिटन वीडियोस देखते रहते हो या नहीं देखे तो प्लीज़ एक प्लेलिस्ट बनी हुई चेकआउट जरूर कर लेना। और अगर आप मेरे यूजुअल यूजर हो और आप देखते रहते हो तो आपको पता होगा कि मैं क्या क्या वहाँ से ट्राई कर चुकी हूँ, तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दिस इज एल्फा वेदिक का एंटी फ्रिज शैम्पू विद आर्गन ऑयल एंड इट इज़ फॉर लाइक ड्राई एंड फ्रिजी हेयर, लाइक जो मेंटेन नहीं हो पाते ना उन हेयर्स के लिए ये शैम्पू है। बट इस प्रोडक्ट ने बिल्कुल भी ऐसा कुछ सच एज वर्क नहीं किया मेरे बालों पर। मेरे बाल उतने भी ज़्यादा एक्सट्रीमली फ्रिजी नहीं है बट काइंड ऑफ फ्रिजी रहते हैं, बट इसने फिर भी मेरे बालों में कोई वर्क नहीं किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल भी लेदर नहीं करता है। जी हाँ, इसमें बिल्कुल भी आपको झाग काइंड ऑफ थिंग नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी लेदर नहीं करता है। इस वजह से जो शैम्पूज लेदर नहीं करते हैं आपने देखा होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब ज़्यादा यूज़ में आती है। एंड क्वांटिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा था, नो डाउट क्वांटिटी वाइज 100 ml का आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, 595 ये कॉस्ट करता है, बट ये आपको एक ट्रायल पॉइंट में मिल जाता है, अमेजिंग। बट इसने ऐसा कुछ भी वर्क नहीं किया मेरे बालों पे कि मुझे फ्रिजीनेस कम लगी हो, जबकि मेरे बालों में तो उतनी फ्रिजीनेस है भी नहीं, बट जिनके बालों में ज्यादा रहती है उनको डेफिनेटली ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। एंड ऑल्सो ये मुझे लेदर वाइज भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो शैम्पूज लेदर अच्छे से करते हैं वो क्लीन भी आपके बालों को अच्छे से करते हैं, तो मुझे ये नहीं उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। बहुत माइल्ड शैम्पू है, यू कैन यूज़ दिस एंड यू कैन ट्राई ऑल्सो दिस फॉर वन ट्राई पॉइंट। आप एक बार चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आपको शायद पसंद आ जाए, बट इस फ्रॉम माई साइड इट इज़ नॉट लाइक पास्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे विच इज़ फ्रॉम प्लम का एवोकाडो नरिश अप हेयर मास्क फॉर फ्रिजी कर्ली एंड वेवी हेयर। सो दिस इज़ द एवोकाडो प्लम मास्क। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी क्वांटिटी की, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको कट करके भी यूज़ किया है क्योंकि मेरे बालों की लेंथ थोड़ी सी लंबी है, यू नो लंबे हैं, लाइक हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे बालों की, इतने ज़्यादा भी लाइक कहते हैं ना थिक नहीं है, बट लेंथ वाइज लंबे हैं थोड़े से, तो ये मुझे उतना सूटेबल नहीं लगा प्रोडक्ट। मतलब क्वांटिटी कम आई थी, ठीक है ट्रायल पॉइंट है क्वांटिटी तो कम आएगी ही, नो डाउट, बट ये जो है ना मुझे अच्छे से सूट भी नहीं किया। आई मीन सूट इन द सेंस कि कोई रिएक्शन नहीं था बट कोई एक्शन भी नहीं था। इसने कोई भी ऐसा कुछ खास मेरे बालों को लाइक फ्रिजीनेस कर्लीनेस दूर नहीं की है मेरे बालों की, यू नो। एंड अगेन द सेम थिंग विद दैट, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल हेयर मास्क। तो मैं तो पहले सोच रही थी कि मैं बड़े में ट्राई करूंगी बट अब शायद मैं ना करूँ। तो ये ट्रायल पॉइंट और ट्रायल प्रोडक्ट्स का ये फायदा रहता है स्मिटन से ट्राई करने का कि आप अपनी मनी को ना वेस्ट करने से बच जाते हो। बट ऑल्दो आप इसे एक ट्रायल पॉइंट में ट्राई आराम से कर सकते हो, आप चाहो तो अपने पॉइंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूजफुल लगता है तो। अगर आपको मेरे हिसाब से मेरी तरह वेस्टफुल लगता है तो इसको ट्राई मत करना, बट ठीक है इट्स टोटली अप टू यू। तो ये मुझे कुछ उतना खास नहीं। बात कर लेते हैं दिस प्रोडक्ट, दिस इज अगेन फ्रॉम प्लम बॉडी लवन बॉडी बटर एंड दिस इज लुक्स लाइक दैट। एंड ये भी आपको शायद एक ट्रायल पॉइंट में अवेलेबल हो जाता है वहाँ पे, जिस लुक इज दैट मैंने पूरा खाली कर दिया है एंड इट कॉस्ट रुपीज़ 120 रुपीज़ एंड नेट वेट इज ऑफ 25 ग्राम। सॉरी, तो मैं अगर इसके बारे में बात करूँ तो ठीक है अच्छा है, नरिश करता है आपके बॉडी को बट उतना भी नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। लाइक ये विंटर्स में तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और समर्स में ये आपको काइंड ऑफ नॉर्मल लग सकता है, यू नो इतना भी चिपचिपा ऑयली नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बट बॉडी बटर में पैसे वेस्ट करना आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया एंड इट्स अ लाइक माइंडफुल आइडिया। सो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको दोबारा से ट्रायल पॉइंट्स में ट्राई करूंगी या फिर दोबारा से मैं इसको बड़े साइज में बाय करूंगी। डेफिनेटली मैं और कुछ ट्राई कर सकती हूँ प्लम के बॉडी बटर बॉडी योगर्ट साइड से, बट मुझे ये उतना ज़्यादा खास नहीं लगा। सबसे पहले तो जब मैंने इसको यूज़ किया था तो ये मेरे स्किन पे जब भी मैं इसको ऐसे रब करती थी ये
मैल की तरह निकलता था. लाइक सीरियसली अप्लाई करने के बाद, प्रोडक्ट ही आपका थोड़ा सा रब करने के बाद ही, लाइक ड्यूरिंग द रबिंग सेशन, आपका वो निकल जा रहा है मैल बन के, यू नो मैल जो बन जाता है ना बॉडी पे, वैसा कुछ. तो मैं नहाती हूँ, वैसा कुछ नहीं है, नहा के मैंने अपनी बॉडी अच्छे से साफ करती हूँ. बट पता नहीं है कि उस टाइम पे वर्क नहीं किया, लेकिन बाद में जब मैंने इसे ट्राई किया तो ये बहुत अच्छे से वर्क किया था. मतलब फिर ऐसा कुछ मेरे साथ ये गंदगी वाली टाइप ऑफ थिंग नहीं हो रही थी, बट मुझे ये इतना भी खास नहीं लगा. तो आई कैन स्किप दिस प्रोडक्ट, मैं इसको भी बाय नहीं करूँगी. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ दिस 24 कैरेट गोल्ड फेशियल मास्क फ्रॉम पिलग्रिम. एंड ये काफ़ी ज़्यादा हाइप में आया था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, तो मैंने सोचा कि बड़ा ट्राई करने से अच्छा है, जब स्मिटन पे अवेलेबल है तो एक बार छोटू साइज ट्रायल पॉइंट्स में ट्राई कर लेते हैं एंड आपको उसका रिव्यू भी दे देंगे. और अगर अच्छा लगा तो हम बड़े साइज में भी बाय करके अगेन रिव्यू कर सकते हैं. बट इसने मुझे छोटे साइज में ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया. आई डोंट नो कि बड़े साइज खरीदने के बाद डिफरेंस पता चलेगा या नहीं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे ऐसा डाउट था कि शायद छोटे ट्रायल पॉइंट्स वाले प्रोडक्ट होते हैं या ट्रायल प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें शायद कुछ और ही प्रोडक्ट दिया जाता हो या कुछ फ़र्क पड़ता हो, बट ऐसा कैसे हो सकता है, आई मीन लाइक हाउ इट कैन बी पॉसिबल. सो ये मुझे उतना कुछ खास भी नहीं लगा. ये देख सकते हो मैंने पूरा इसको यूज़ किया है. इसका मैंने एक शॉर्ट भी अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो. उसमें मैंने रिव्यू दिया है इसका. मुझे नहीं अच्छा लगा इस पे, लाइक इसको यूज़ करने के बाद आपके चेहरे पे शाइन ग्लो ऐसा कुछ भी नहीं आता. इट जस्ट नॉर्मल काइंड ऑफ अ 24 कैरेट गोल्ड मास्क. ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके चेहरा एकदम गोल्ड की तरह यू नो ग्लो करने लगता है और काइंड ऑफ दैट थिंग. तो ये आपको 6 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है एंड इट कॉस्ट यू रुपीज़ आई थिंक 150. सो ये आपको ऐसे फ्री ट्राई करना हो तो आप स्मिटन से ज़रूर कर सकते हो, बट मैं इसका बिगड़ साइज तो बिल्कुल से बाय नहीं करूँगी. इट इज़ टोटली वेस्ट एंड पास प्रोडक्ट. जो इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े इसकी तारीफ कर रहे हैं ना, वो आप जानते हो कि क्यों ही कर सकते हैं. बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि मुझे भी ऐसे कुछ स्पॉन्सर्स आए या स्पॉन्सरशिप आए, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो अपना काम कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं. काम करें डेफिनेटली, बट जेन्युइन रिव्यू देना इट्स आर ड्यूटी ऑल्सो. सो या मैं इसको स्किप कर. देन ये है पिलग्रिम का अगेन रेड वाइन फेस क्रीम विद SPF 30 विद विटामिन सी एंड रोज हिप ऑयल एंड इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप एंड 5 ग्राम का प्रोडक्ट अगेन आपको मिल जाता है. ये आपके फेस पे अच्छे से वर्क करेगा अगर आपकी स्किन है थोड़ी सी ड्राई काइंड ऑफ थिंग. अगर आपकी स्किन लाइक लिटिल बिट ड्राई रहती है, नॉट एक्सट्रीमली ड्राई रहती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो. इसको बड़े साइज में ऑर्डर करना चाहो बड़े में करो, और अगर उससे पहले आपको एक बार ट्राई करके देखना है तो आप ये स्मिटन से 1 ट्रायल पॉइंट में ट्राई कर सकते हो. छोटू सा है बाय द वे ये फेशियल मास्क भी 1 ट्रायल पॉइंट का था, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो. बट मुझे ये उतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लगी क्योंकि मेरी स्किन है जो वो थोड़ी कॉम्बिनेशन टाइप की है. मेरी स्किन टी जोन एरिया में ऑयली रहती है, तो ये थोड़ा सा मुझे अपने फेस पे थिक लगा, इसीलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगा. बट आपकी स्किन पे सूट कर सकता है, आपको पसंद आ सकता है, बट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा. सो या मैं इसको बाय नहीं करूँगी. ये एवरेज प्रोडक्ट है, इसकी मैं बुराई नहीं करूँगी, बट ये मेरे लिए वर्क नहीं किया. और सब प्रोडक्ट्स है वो तो लाइक टोटली मुझे वेस्ट लगे, बट ये प्रोडक्ट वेस्ट नहीं कह सकती मैं. जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे पसंद नहीं आया तो मैं वेस्ट नहीं कह सकती. आप इसे ट्राई कर सकते हो. ओके, देन अगेन एक्वालॉजिकल ग्लो मूज नाइट जेल विद यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी एंड ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है. इसे मैंने स्मिटन से ट्राई तो नहीं किया है, बट आई होप कि आपको स्मिटन पे शायद ये देखने को मिल जाए पहले या फिर बाद में मिले. बट मैंने इसे योटो बॉक्स में ट्राई किया था एंड इसका रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ. अच्छी स्मेल है, मूजी काइंड ऑफ टेक्सचर है लाइक मूज वाला, और बहुत अच्छे से आपके स्किन को लाइट वेट रखेगा. बहुत ही लाइट वेट नाइट जेल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. बट एज अ मुझे कुछ खास इसका रिजल्ट नहीं लगा. मुझे नहीं लगता कि मैं इसको बड़े साइज में खरीद के, यू नो बहुत ही कॉस्टली आता है तो मैं इसको पैसे वेस्ट करूंगी. लाइक 500-600 इट्स अ बजट फॉर मी, दैट इज आई कॉल्ड कॉस्टली. मतलब सबका अपना अपना एक एक बजट, एक एक लाइक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो मेरे हिसाब से मैं इसको बड़ा मैं तो बाय नहीं करूंगी, बट या आप अगर आप चाहो तो डेफिनेट ट्राई कर सकते हो. सो या दिस इज अबाउट. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैं आपसे शेयर करूंगी एंड विच इज़ दैट एम कैफेन का कॉफी हेयर मास्क. सो इट विल गिव्स यू द 25 ग्राम क्वांटिटी एंड इट कॉस्ट यू रुपीज़ आई थिंक इस पर मैंशन नहीं है, सो आई कैन नॉट टेल यू अबाउट दैट. तो ये आपको 25 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है. जस्ट लुक एट दैट. मैंने इसको भी कट करके यूज़ किया. मैं जितने भी ये ट्यूब काइंड ऑफ थिंग्स होती है, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो हेयर मास्क हो या एनीथिंग, मैं उसको कट करके ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ. क्योंकि जब हमने उस पर कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ मनी उस पर लाइक इन्वेस्ट की है, तो हमको उसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए अच्छे से. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. अगर आप भी ऐसे हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आप भी ऐसे ही करते हो. सो इट जस्ट अ वेरी गुड थिंग. सो ये मैंने यूज़ किया है और मैं इसका रिव्यू दूँ तो ये उतना भी बुरा नहीं है, बट उतना भी अच्छा नहीं है. हेयर मास्क इज जनरली लाइक दैट कि वो आपके हेयर्स को थोड़ा सा फ्रिजीनेस उसका कम कर सके, बहुत मेंटेन बना सके, तो आपको हेयर मास्क लगाना अच्छा लग सकता है. बट अगर वो कोई काम ही नहीं कर रहे तो आप कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो ना. आपको हेयर मास्क में इन्वेस्ट करने की क्या ही ज़रूरत है. बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी आते हैं ऑल दो. सो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एक ट्रायल पॉइंट में इसको 20 मिनट से ट्राई कर सकते हो. ऑन दैट प्रोडक्ट आई हैव एवरेज रिव्यू. लाइक प्लम से तो ये काफ़ी अच्छा है. आई डेफिनेटली कैन से दिस कि प्लम वाले एवोकाडो हेयर मास्क से ये वाला
कॉफी हेयर मास्क जो है एम कैफीन का, वो काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। आई होप कि मैं बड़े साइज में एक बार इसको एक ट्राई और दूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि मैं प्लम वाले में इन्वेस्ट करूंगी, बट लेट्स सी इन द फ्यूचर, शायद मेरा माइंड सेट चेंज हो जाए। तो या ये मेरा रिव्यू है अबाउट दैट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो मैंने ट्राई किया है, अगेन फ्रॉम प्लम बॉडी लव एंड बॉडी मिस्ट, हवाइन रुम्बा एंड हवाइन रुम्बा वेनिला वाइब्स ट्रिपिन मोमोसा, ये सारे ही फ्रेग्रेंस इनके काफ़ी ज़्यादा ही हाइप्ड गए हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये काफ़ी अच्छे भी हैं। बट मैं कहना चाहूँगी कि ट्रिपिन मोमोसा तो मैंने ट्राई नहीं किया है, वनीला वाइब्स मैंने ट्राई किया जिसकी तो मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ, यू गाइज ऑल नो दैट, एंड वो शायद मेरे अगले स्मिटन रिकमेंडेशन वीडियो में आपको दिखाई देगा, यू नो आपको देखने मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज वो मेरी एक वीडियो होने वाली है मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स विच आई हैव एवर ट्राइड फ्रॉम स्मिटन इन द ट्रायल सेक्शन, एंड ऑल्सो आई विल प्लान टू लाइक इन द बिगर साइज। सो तो ये वो वाला प्रोडक्ट है, एंड इस प्रोडक्ट का अगर मैं रिव्यू करूँ तो क्वांटिटी आपको थोड़ी सी, सो इस वाले परफ्यूम की आपको क्वांटिटी लाइक कम मिल जाएगी, और ये 5 ml का मिल जाएगा आपको, जबकि इसका जो वेनिला वाइप्स वाला आता है वो आपको लाइक 30 ml का मिलता है, यू नो इतना बड़ा साइज, और वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट भी करता है, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस भी है, एकदम उसकी कपकेक वाली, सॉरी एकदम कपकेक वाली फ्रेग्रेंस भी है उसकी, एंड वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, एंड लॉन्ग लास्ट टू द यूज़ ऑफ काइंड भी करता है, लाइक आप काफ़ी लंबे टाइम तक उसको यूज़ कर पाएंगे, इतना प्रोडक्ट उसमें आपको मिल जाता है। बट ये बहुत छोटू है, बहुत छोटू, लाइक लुक एट दैट प्रोडक्ट, एंड इसका ट्रिपिन मोमोसा जो आता है वो भी बिल्कुल इसी साइज़ का अवेलेबल है स्मिटन पे, चाहो तो आप एक ट्रायल पॉइंट में आराम से इनको ट्राई कर सकते हो, बट प्रोडक्ट भी तो अच्छा होना चाहिए ना, क्वांटिटी अगर मैटर नहीं कर रही है ट्रायल पॉइंट्स में तो ठीक है, ऊपर नीचे क्वांटिटी हो सकती है, बट ये उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। हवाइन रुम्बा ऑब्वियसली बहुत लोगों का फेवरेट है, यू नो बीची काइंड ऑफ स्मेल देता है, इट्स टोटली देता है बीची काइंड ऑफ स्मेल, बट ये नॉट माई टाइप ऑफ परफ्यूम है, तो इट इज़ जस्ट अ एवरेज रिव्यू इट हैज़ मेरी साइड से। आप चाहो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, फॉर श्योर डेफिनेटली शायद आपको पसंद आ जाए, बट मुझे ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना ज़्यादा मुझे पसंद आया वनीला वाइब्स, तो ये काइंड ऑफ अ पास प्रोडक्ट है, नॉट आई एम नॉट गोना बाय इन द बिगर साइज ऑफ दैट, हो सकता है मैं ले लूँ, बट जो एक पागलपन एक प्यार होता है ना वो नहीं है मेरा इसके पीछे जितना वनीला वाइब्स के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम कैफीन का ये चौको, एक मिनट फोकस नहीं कर रहा यार, या एम कैफीन का ये चौको, अरे एम कैफीन का ये चौको बॉडी लोशन, सो दिस इज डीप मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग जेल लोशन, एंड आपको इसमें मिल जाती है 25 ml की क्वांटिटी, एंड ये कितना कॉस्ट करता है नॉट मैंशन इट, मतलब इस पर मैंशन नहीं है तो मैं नहीं बता सकती, बट ये अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, देख सकते हो कि मैंने इसको भी पूरा अच्छे से कट करके ट्राई किया है, यूज़ किया है, अच्छा बॉडी लोशन है, इट जस्ट काइंड ऑफ अ नॉर्मल बॉडी लोशन, मैं इसके बारे में ना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करूँगी ना कोई बुराई करूँगी, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप डेफिनेटली कोई और बॉडी लोशन सर्च कर सकते हो, बट अगर आपको ट्रायल पॉइंट में ट्राई करना है तो यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई फॉर दिस प्रोडक्ट एटलीस्ट एट द वन टाइम, सो आप दे सकते हो इसको ट्राई, बट ये मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, तो मैं बॉडी लोशंस की उतनी ज़्यादा फैन नहीं हूँ, जो बहुत अच्छे बॉडी लोशंस लगते हैं मुझे, जो काइंड ऑफ चिपचिपे और इस टाइप के नहीं होते, मैं वही बाय करती हूँ, तो या मैं इसको स्किप कर रही हूँ। सो दिस इज़ द फ्रेग्रेंस एंड बियॉन्ड का ब्लूम परफ्यूम, ये मुझे एक्चुअली मैंने ट्रायल पॉइंट से ट्राई नहीं किया था, बट ये आपको शायद ट्रायल पॉइंट में भी अवेलेबल हो जाए, बट ये मैंने ट्राई किया था लाइक गिफ्ट सेक्शन से, गिफ्ट सेक्शन पे उस टाइम पूरा एक वो कॉम्बो मिल रहा था, उसमें ये कॉम्बो में आया था पैक, एंड 8 ml की क्वांटिटी है फ्रेग्रेंस, आई लव दिस फ्रेग्रेंस, बिल्कुल ऐसी फ्रेग्रेंस है जैसे हम अपने लाइक इत्र टाइप ऑफ यूज़ नहीं करते ना फ्रेग्रेंस, बिल्कुल वैसी है, इत्र वाली फ्रेग्रेंस है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट लॉन्ग लास्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, जहाँ आप स्प्रे करोगे सिर्फ वहीं पे आपको स्मेल आएगी, ऐसे आपको कोई स्मेल नहीं आने वाली है, एंड बहुत ज़्यादा जब पर्सन बिल्कुल आपकी यू नो करीब आ जाएगा तब उसको लगेगा कि आपने कुछ लगाया है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है जो थोड़ा सा लाइक एक स्प्रेड हो या फिर दूसरों को भी पता चले कि हाँ आपने कोई परफ्यूम लगाया है, ऐसी काइंड ऑफ स्मेल इसकी नहीं है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट टू यू, बट चाहो तो आप एक ट्रायल पॉइंट में अगर मिल जाए तो ट्राई कर सकते हो इसको, जस्ट आप अपने यहाँ पे नेक पे या फिर इत्र की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे पहले इत्र होते थे ना जो मतलब थोड़ा सा आपके पास आए कोई इंसान तभी उनको रियलाइज होता था कि यू हैव वेयर समथिंग, सो अदरवाइज ये परफ्यूम या फिर डीओ नहीं है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, बट आप ट्राई कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, मुझे ये उतना खास नहीं लगा, बट फ्रेग्रेंस अच्छी है नो डाउट। देन हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द फ्रेग्रेंस एंड बियॉन्ड का परफ्यूम, लुक एट दैट इफ यू कैन सी, सो दिस इज फ्लेक्स परफ्यूम, पोर फेमी फ्लेक्स परफ्यूम, 8 ml की क्वांटिटी अगेन, और ये मुझे कॉम्बो में आए थे, ये परफ्यूम्स के कॉम्बो आए थे ना, कॉम्बो वाले ट्रायल पैक गिफ्ट में मिले थे उसमें आए थे, तो ये भी अगेन काफ़ी ज़्यादा सही है यू नो, बट लॉन्ग लास्ट नहीं करता है ऑब्वियसली, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, नॉट स्प्रेडिंग परफ्यूम, लाइक किसी को पता चले हमने कुछ लगाया है वो वाला काइंड ऑफ स्मेल नहीं है इसका, बट स्मेल अदरवाइज खूब काफ़ी अच्छी है, अब जब अप्लाई करोगे तब तो आपको स्मेल आएगी थोड़ी देर तक, बट उसके बाद ये कहाँ चली जाती है कुछ पता नहीं चलता है, तो आप ट्राई चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू।
तो यही थे मेरे कुछ स्मिटन के एम्पटीज प्रोडक्ट्स. आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, और अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो कर दीजिए प्लीज़. एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब. मैं इसी तरीके की वीडियोज़ लाती रहूँगी. मेरे पास बहुत सारे और भी एम्पटीज हैं और भी एम्पटीज होने वाली हैं, जस्ट बिकॉज मैं स्मिटन हॉल रेगुलरली करती रहती हूँ. जब भी मुझे कुछ पसंद आता है मैं जल्दी से जाकर बस ऑर्डर कर देती हूँ. तो इसीलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इसी तरीके के कंटेंट आपको प्यारे प्यारे देखने को मिलते रहेंगे. जल्दी मेरी मंथली फेवरेट्स एम्पटीज भी आएंगी, एंड स्किन केयर एंड मेकअप बहुत कुछ आने वाला है, और इसी पे बेस मेरा चैनल है. तो अगर आपको इस काइंड ऑफ लाइक कंटेंट देखना पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल. एंड या मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टू अदर्स ऑल्सो, एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स. बाय.